एक संगीत के सेवक के स्थान से गुरु शिष्य परंपरा का मेरे जीवन में क्या महत्व रहा और ऐसा क्या एक अनोखा अनुभव मेरे को हुआ जो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपकी यात्रा में भी उसकी कुछ अच्छी भूमिका हो सकती है। इस संदर्भ में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। गुरु शिष्य के बारे में बात करना आम जन समूह से इस प्रकार है जैसे कि आप अंधों में चश्मा बेच रहे हो। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं इस बात से अवगत नहीं हूं या सचेत नहीं हूं कि एक वक्त पे मैं भी अंधा ही था और एक अंग्रेजी का शब्द है इम्प्रैक्टिकल, अर्थात जो चीज अवैज्ञानिक हो करनी या जो चीज काल्पनिक हो, जो अव्यवहारिक हो, ऐसा कोई कार्य जिसका नतीजा या परिणाम फायदे का ना हो उसको इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। तो गुरु शिष्य और इस प्रकार की पुरातन जो विधियां हैं और जो बातें हैं जो कहानी के रूप में सुनाई दी गूंजती हैं जहन में, वो लोग सोचते हैं कि ये कोई आजकल की करने वाली बातें नहीं है। मेरा यत्न यही है कि मैं बताऊं कि गुरु शिष्य कितना प्रासंगिक है आज की दुनिया में एक संगीतकार होने के लिए, एक संगीतकार की दृष्टि से सर्वप्रथम। मेरी यात्रा संगीत के साथ 16 साल की उम्र से शुरू हुई। उससे पहले मैं एक बहुत साधारण था और बहुत प्रिविलेज्ड, बहुत सहूलतों के साथ जीवन बिता रहा था। ऐसी कोई सहूलत नहीं थी जो मेरे पास नहीं थी और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता का। उन्होंने सब कुछ जो भी मेरे जीवन को सरल बनाने के साधन थे वो मेरे लिए उन्होंने मेरे को दिए। पर और ये विचार तो मेरे अंदर कभी भी मेरे को सहमत नहीं कर पाया कि कोई इंसान गुरु है या कोई बड़ा है। यहाँ तक कि काफी हद तक तो मैं भगवान से भी इसलिए रूठा रहा कि क्यों वो इतना बड़ा है और क्यों किसी चीज को सिर्फ उसका शक्तिशाली होना या महान होना उसको हमारे से ऊंचा बना देता है। मैं 16 साल की उम्र तक इसी विचारधारा से जीता रहा। मेरे को कहीं पे भी सिर झुकाना बिल्कुल मेरा गुण ही नहीं था। मेरे जीवन का कोई पहलू ऐसा था ही नहीं जहां मेरे को ऐसा करना भी पड़ा हो या मैं करने के लिए मैं सहमत था। पर 16 साल की उम्र में जब मैंने सितार बजाना ठान लिया कि मैं बजाऊंगा और जब मेरे अंदर ये विचार पहली बार भी आया अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ मेरे अंदर ये विचार आया कि सितार ही मेरा जीवन होगा, सब कुछ बदल गया उस दिन। पता नहीं क्यों अचानक से मेरा मन करने लग गया कि मैं हर धूल के एक एक कण के सामने मैं झुक जाऊं, उसको प्रणाम करूं और कहीं से भी अगर मेरे को एक छोटी सी भी एक श्रुति के बराबर ही मेरे को संगीत का ज्ञान मिल जाए तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मोह था, लालच था। कुछ लोग जिनका मैंने सितार सुनना पहले शुरू किया उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं, आप विश्वास करें, मैं कल्पना करता था कि अगर मैं इनसे मिलूंगा तो मैं इनसे बिना सहमे हुए इनको मैं कैसे जिता पाऊंगा कि मेरे को मेरे मन में इनके लिए कितना आदर और कितनी इज्जत है और मैं कैसे नमन करूंगा। मैं कल्पना करता था, मैं बैठकर ये इनेक्ट करता था पूरा का पूरा सीन कि अगर मैं इन उस्ताद से मिलूंगा तो इनको ऐसे बताऊंगा, ऐसे करूंगा। मेरे को ऐसे ही सपने भी ऐसे आते थे। मेरे अंदर संगीत, संगीतकार, संगीत के गुरु, बाकी मेरे साथ के संगीत के साधक स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत मेरी अपनी गणना के
पर है एक श्रद्धा थी, आज भी है, पर उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर पहले दिन से ये हो गया। जिस दिन मैंने सितार को छुआ, सब कुछ 360 के कोण से पलट गया। और गुरु जिस शब्द का अर्थ मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं, वो शब्द मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द बन गया, और वो रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया। हर रोज मेरी जो अपने गुरु के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, वो विकसित ही होती जा रही है, बढ़ती जाती है। मुझे बहुत खुश होता हूँ मैं जब थोड़े वक्त के बाद मुझे कुछ ऐसा आभास होता है, मेरा जो प्रेम है मेरे गुरु के प्रति वो बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन ऐसा आया था जब वैसे ही अपने गुरु के बारे में बात करते हुए मैंने सिर्फ इतना ही जिक्र किया कि गुरु के प्रति कोई मैं कर ही क्या सकता हूं, उनके लिए मैं कर ही क्या सकता हूं। अगर वो मेरे को कहेंगे कि आप यहाँ कूद जाओ खाई में कुएं में, तो अगर मेरा ख्याल अगला जो ख्याल है उससे आने से भी ज्यादा मैं पहले नहीं कूद गया, तो फिर मैं मेरा ये जो उनके प्रति निष्ठा है, जो श्रद्धा है, वो सच्ची नहीं है। जब मैंने अपने अपने स्टूडेंट को कहा तो मेरे को आभास हुआ कि मैंने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी, क्या ये सच है? अपने आप से वापस पूछा और अंदर से जवाब आया कि हाँ ये सच है। खुद को पता था मुझे कि हाँ ये बात तो सच है, और मैं उस दिन बहुत भावुक हो गया इस बात से कि हाँ, जैसे मैंने सच में कुछ पा लिया हो, मैंने सच में कुछ पा लिया हो, मैंने सच में कुछ कमा लिया हो, मैंने सच में अभी भी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मेरे को एक अच्छा शिष्य होने के लायक बनाता है, पर उस दिशा में एक कदम शायद जैसे मैंने बढ़ा लिया हो। आज अभी भी जब मैं ये बात बोल रहा हूं, मेरे अंदर एक अलग सी एक गूंज आ रही है इन शब्दों की, एक अलग सी कंपन उठ रही है जब मैं ये बात कर रहा हूं। तो मैं कुछ और था और संगीत ने मुझे कुछ और बना दिया। संगीत का सबसे बड़ा जो मेरे को तोहफा है वो गुरु है। अब तो मैं गुरु के लिए संगीत करता हूं, संगीत के लिए गुरु नहीं ढूंढता। मेरे जो गुरु हैं वो ही मेरी मंजिल थे, वो तो हो ही गया गुरु के मिल जाना से, उसके आगे मैं अब क्या करूं। तो अब तो मैं संगीत भी गुरु के लिए करता हूं, संगीत सिर्फ एक माध्यम है गुरु से मिलने का। संगीत वो आवाज है जो आंखें खोलती है और बताती है कि प्रकाश इस तरफ से आ रहा है। पर मेरी यात्रा ऐसे नहीं थी कि पहले एक अच्छा शिष्य होना भी आपके अहंकार, आपके अहम का एक उदाहरण होता है, क्योंकि आप सोचते हो कि हाँ अब मैं एक अच्छा शिष्य बनूंगा, और उसके पीछे आपके बाकी जो आपकी वासनाएं होती है वो सब तो छूट जाती है, पर एक अच्छा शिष्य बनने की जो डिजायर है, जो चाहत है, वो सब की जगह ले लेती है। तो वहीं से रास्ता शुरू होता है, और डर लगता है कि अगर मैं ना बन पाया तो फिर क्या होगा। पर गुरु में इतना प्रेम होता है कि उस डर को बहुत जल्दी प्रेम में परिवर्तित कर देता है, उसका सानिध्य। और फिर अच्छा शिष्य बनने की कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती, गुरु के पास जाने की भी ख्वाहिश नहीं होती। गुरु का भौतिक अस्तित्व आपके लिए इतने मायने नहीं रखता जितना कि ख्याल, उस तत्व का एक ख्याल आपके लिए मायने रखने लगता है। और वो जो अहंकार जो शुरू हुआ था कि अब मैं अच्छा शिष्य बनूंगा और मैं बहुत रियाज करूंगा, वो एक प्रभाव में परिवर्तित हो जाता है जो बस अपने आप चल रहा है। आपको कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं रहेगा।
इस रिश्ते में कोई आदान प्रदान नहीं, सिर्फ गुरु के तरफ से रोशनी है। आप आंखें बंद कर ले तो भी आप रोशनी में नहा रहे हैं, चाहे आपको पता हो कि आपको कुछ मिल रहा है या ना पता हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिल रहा हो। ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि शिष्य नीचे होता है और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जो गुरु है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ही ये है कि सब कुछ उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और उसका वैज्ञानिक रूप यह है कि जो भी नीचे होता है सब कुछ उसमें बहता चला जाता है। शिष्य का धर्म है नीचे रहना, शिष्य। गुरु का अर्थ आपको पता है ना, गुरु अंधकार, गुरु प्रकाश, क्रिया। स्वयं प्रकाश नहीं पर प्रकाश होना, प्रकाश आना, प्रकाश की क्रिया गुरु, और अंधकार, अंधकार सिर्फ प्रकाश का अभाव होता है, असलियत में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम लोग जिंदगी भर उससे लड़ते भी रहे तो उसको हरा ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक ख्याल से लड़ रहे हो, उसको हराया नहीं जा सकता। वो तो एक संभावना है प्रकाश की, वो तो अपने आप में खुद एक संभावना है, एक चिन्ह है, यहाँ प्रकाश होना चाहिए। उसको ऐसे समझना चाहिए कि अंधकार है, यानी कि एक आवाज उठ रही है, एक पुकार उठ रही है कि प्रकाश लाओ। प्रकाश को आमंत्रण देना गुरु का आमंत्रण देना है, पर गुरु स्वयं प्रकाश का स्रोत नहीं, प्रकाश का स्रोत नहीं, वो आपको प्रकाश के कक्ष में ले जाकर खड़ा कर सकता है। प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत क्या है? संगीत को समझना पड़ेगा। प्रकाश एक ऐसी अवस्था है जहां आप मुक्त होते हैं। जैसे जब आप अंधकार में हो, एक कमरे में हो जहां अंधेरा है, आप बंधे हुए हो हर तरफ से, क्योंकि आपको कहीं पे भी कुछ नहीं पता कि क्या है, या ज्ञानता का भी अंधकार है पर आपकी योग्यता का भी, आपकी चेतना की योग्यता सीमित है, आपकी चेतना जो इंद्रियों पर काम करती है, और अगर वहां प्रकाश ना हो, कोई आवाज ना हो, सिर्फ रोशनी नहीं, हर तरह का अंधकार, जो इंद्रियों के जितने भी विषय हैं वो सब ना हो वहां पर, तो आप योग्य ही नहीं अपनी चेतना का प्रयोग करने के। पर जहां प्रकाश हो, जहां आवाज हो, जहां महक हो, सुगंध हो, जहां स्पर्श हो, वहां की चेतना आजाद हो जाती है, प्रकाश का अर्थ आजाद हो। अंधकार अर्थात अहंकार जो आपको सीमित करे, जो आपको प्रवाह बनने से रोके, प्रकाश मुक्ति, जहां आपको प्रवाह अपने आप में स्वयं सम्मिलित कर ले और आप उसके विरुद्ध तैरने की कोशिश ना करें, अपने आप को रोके ना और समर्पित हो जाए। संगीत में गुरु का क्या महत्व होता है? संगीत एक वैज्ञानिक मार्ग नहीं है। संगीत शुरुआत तो भावनाओं में होती है। संगीत कोई लिखी लिखी विद्या पद्धति नहीं है। संगीत कोई मन का विषय नहीं, आत्मा का विषय। और आत्मा से परिचय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप मुक्त ना हो।
आत्मा से तभी परिचय हो सकता है जब आप मुक्त हो, जब आपके जीवन में प्रकाश हो। इसीलिए गुरु संगीत के मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात आप एक उदाहरण समझिए, आप संगीत की भाषा से अवगत है, सारे गामा पाधा निसा, आप संगीत में गाना बजाना भी कर लेते हैं। एक समय के बाद आप बहुत निपुण हो जाते हैं संगीत, सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या करना है। अब सवाल ये उठता है, ये विद्या, ये भाषा, आपकी चीजें, आपके वार्तालाप की जो सामग्री है वो आपके पास है, पर अब कहना क्या है ये कैसे पता चले? सिर्फ वही लोग संगीत का सदुपयोग कर पाते हैं जिनको पता चल जाए कि अब संगीत से कहना क्या है। नहीं तो दुनिया के विषयों पे ही संगीत का प्रयोग होता रहता है, जैसे कि नवरसों पे ही, उनसे आगे नहीं बढ़ते। पर अगर आपके जीवन में एक सद्गुरु है, वो बताता है कि संगीत शुरू तो सुर में होता है, उसका दूसरा जो चरम है वो श्रुति का है, उसका तीसरा चरम नाद का है, और उसका चौथा चरम, परम चरम, शांति का है। आपका अगर आपकी अभिव्यक्ति जब तक शांति नहीं बन जाती, संगीत के पथ का भी कोई मूल्य नहीं है तब तक, वो भी कोई आम सामान्य भाषा ही तो रह गई। हाँ, ये जरूर है कि वो ज्यादा खूबसूरत है, सुंदर है, पर उसमें जब तक सत्य ना हो तब तक खूबसूरती में जीवन नहीं उत्पन्न होता, प्लास्टिक के फूल ही रहते हैं। किसी भी खूबसूरत चीज को जीवन प्रदान करने के लिए उसमें सत्य का बोध होना जरूरी है, सत्य की अभिव्यक्ति होनी जरूरी है। इसीलिए संगीत में गुरु जरूरी है, गुरु जिसके सामने आप समर्पित हो सके और आपका मन का शोर खत्म हो जाए, ताकि आप असलियत में शांति को सुन सके। अब ये तो नहीं है कि अगर आप शिष्य हैं तो आप गुरु नहीं हो सकते। गुरु को कुछ संदर्भ में, कुछ जगहों पर पारस पत्थर से उसकी तुलना की जाती है, पारस पत्थर से। परंतु मैं सहमत नहीं, कहने को तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा कोई तत्व जो किसी भी दूसरे तत्व को छुए और वो सोने में परिवर्तित हो जाए, यानी बड़ा मूल्यवान हो जाए, किसी भी मूल्यहीन चीज को छूते वो मूल्यवान बन जाए, तो बहुत बड़ी शक्ति है। पर गुरु के सामने ये शक्ति भी कुछ नहीं। पारस पत्थर को सॉर्सरर स्टोन कहते हैं। न्यूटन ने बहुत उम्र अपनी गवानी में बना लिया, नहीं बना न्यूटन जैसा इंसान नहीं, पर गुरु को कहते हैं कि गुरु वो है, किसी को भी छू ले तो वो सोने में तब्दील हो जाए। पर गुरु इससे बहुत आगे है, गुरु वो है कि जिसको छुए वो पारस पत्थर स्वयं बन जाता है। जैसे एक चिराग से दूसरा चिराग जलाया जाए, एक शम्मा से दूसरा शम्मा, एक दीप से दूसरा दीप जलाया जाए, तो जो शक्ति पहले दीप में होती है वो स्वयं, वही स्वयं शक्ति दूसरे दीप में भी प्रज्वलित हो जाती है। उन दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। गुरु के अंदर ऐसा कोई भेद नहीं है कि मैं हमेशा ही ज्यादा रहूंगा। अब दूसरे द्वीप से भी हजारों द्वीप जलाए जा सकते हैं। ये किसी और अनुसंधान कोई ऐसा दुनिया में नहीं है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा बड़ी खूबसूरत है। शिष्य का मतलब होता है जो अपना शीश समर्पित कर, शीश समर्पित कर दे, साधारणतः सिर झुका दे, नहीं, जो कहे कि मेरा शीश काट दो। शीश क्या है? असली शीश भी है, वो भी कट जाए गुरु पाने के लिए तो भी कोई घाटा नहीं हुआ। पर शीश है आपके आपके अहंकार, आपके घमंड का सिंहासन, उसको तोड़ना पड़ता है। संगीत
आपके जरिए बहे, ये पूरा विश्व, ये सृष्टि आपके जरिए संगीत बह सके, इससे निकलकर आप इसके एक माध्यम बने, इसके लिए खुद को खाली करना जरूरी है। जब तक आपने खुद को खाली नहीं किया, संगीत आपके जरिए नहीं बह सकता, बहुत कम कम बहता रहेगा, बूंद बूंद करकर। इससे कितना ही मजा आएगा। पर एक अवस्था ऐसी भी है जहां संगीत का प्रवाह, सारी सृष्टि का संगीत का प्रवाह आपके जरिए बह सकता। कोई आम लक्ष्य तो नहीं है, हर किसी को तो ये लक्ष्य भाएगा नहीं। ज्यादातर लोग तीस हो जाए, थोड़ा ही आ जाए तो बहुत है, और इतना ही हो जाए तो बहुत है। ये यात्रा के अलग अलग चरण है, पर अगर आपको संगीत से सच्चा प्यार है तो आपका लक्ष्य यही होगा, और यही होना चाहिए। लक्ष्य सिर्फ इतना है, गुरु को संपूर्ण समर्पण। इतनी लंबी बात जो मैंने कही, उसका जो सारांश है, जो मूल अर्थ है, वो ये है, गुरु को संपूर्ण समर्पण। और संगीत, नाद, शांति, इन सब की प्राप्ति, पर ये फिर मायने नहीं रखते। तभी ये आते हैं जब ये मायने नहीं रखते, और ये तभी मायने नहीं रखते जब आपका समर्पण संपूर्ण। अगर आपने कुछ भी बचा लिया तो वो मायने रखता है। समर्पण का अर्थ ये कि कुछ भी अब मायने नहीं रखता। मेरी शुभकामनाएं।